अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे हमारे चैनल पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस लेकर हम आते रहते हैं और आपको फोन फिक्स हैदराबाद की पूरी टीम यहाँ पे देख सकते हैं आप। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमसी प्रोग्रामिंग प्लस नए नए टूल्स और नए नए सॉल्यूशंस आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके इस चैनल को और एक लाइक अगर करना चाहे तो कर सकते हैं और अपना प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर दें। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपको BGA 254 जो कि एक UFS का एडाप्टर होता है, 2-in-1 होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या है ना, 2-in-1 एडाप्टर है ये, जिसमें आप इस सॉकेट के थ्रू, ये यू सॉकेट होता है, इसके थ्रू आप ईएमसी भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आप यूएफएस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी सारे पिन्स है जहां पे आप आईएसपी भी इसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे जो यूएफएस के लिए हम जम्पर लगाते हैं ये होते हैं हमारे RXOP, RXON, TXOP, TXON। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है और इसमें चार पिनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे पहले हम ISP करते थे तो उसमें हमें इससे ज्यादा पिनें होती थी, ग्राउंड, क्लॉक, कमांड, डाटा जीरो और VCC VCCQ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ TXON, TXOP, RXON, RXOP, VCCQ, 2, VCC, VCCQ। तो ये इसमें पिन्स थोड़े ज्यादा दे दिए गए हैं और इसमें फ्रेंड्स डाटा आउट टी देख सकते हैं आप, डाटा आउट 0C। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इनके लिए दो सप्लाई दी गई है और आउट के लिए दो सप्लाई, क्योंकि फ्रेंड्स ये यूएफएस है, ये जो होता है फ्रेंड्स इसमें वन टाइम में रीड एंड राइट कर सकते हैं हम, इसमें सिर्फ चार पिनों का इस्तेमाल किया जाता है। और यूएफएस के बारे में हमने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल हमने बताई है कि यूएफएस काम कैसे करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये ISP करने के बाद इस तरह के यूएफएस BGA 254 एडाप्टर में 113 का एरर आ जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास इसी चटैक में मेरे पास एक ओप्पो का हैंडसेट यहाँ पे आया है जिसमें हमने इसे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 113 का इस तरह का एरर आ जाता है, 113 एरर। यूएफएस आपने सही से कनेक्ट किया है, ISP भी सिलेक्ट कर लिए, लो और हाई करके भी देख लिए, जैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 113 का एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे इजी अटैक के साथ, क्योंकि यूएफएस सपोर्ट है इजी अटैक में, UFI में अभी तक सपोर्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे हम इजी अटैक के साथ इस वाले एडाप्टर को कनेक्ट करके ओप्पो का यहाँ पे हमने हैंडसेट को जम्पर कर लिया है। बट फ्रेंड जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का 113 का एरर आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट और फॉलोअर सब्सक्राइबर के कमेंट्स आते हैं, सर ये BGA 254 का जो UFS एडाप्टर है ये कनेक्ट नहीं होता है, काफी सारे एरर्स आ जाते हैं 113 वगैरह के। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे फोनफिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, और भी आपको ये सोल्यूशंस मिलेंगे काफी सारे जगह पर, और यहाँ पे हमने आज को एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बहुत ही डीपली लेवल पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो इसको जम्पर किया है RXON और RXOP को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर और 2 नंबर को यहां से जम्पर लेना है, और यहाँ पे ऊपर के साइड 3 नंबर और 4 नंबर पे आपको जम्पर लगाना है, और बीच में यहाँ पे 50 किलो ओम्स के रेजिस्टर होते हैं जो कि यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाती है। या तो आप ऊपर से इस तरह से डायरेक्ट जम्पर लगा सकते हैं, या तो ये रेजिस्टर के पास ही आप डायरेक्ट जम्पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बताने की कोशिश किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओप्पो का हैंडसेट हमारे पास ये अनलॉकिंग के लिए आया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसे CPU को स्क्रैच करके यहाँ पे इसको बनाया गया है, अनलॉकिंग की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे वही वाला हैंडसेट है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओप्पो रीसेट हमने किया है इसको,
तो यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से सीपीयू को स्क्रैच करके आप आरएक्सओपी, आरएक्स ऑन, टीएक्सओपी, टीएक्स ऑन पे जम्पर लगा के आप बहुत इजीली इस वाले एडेप्टर के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने जम्पर इसको लगाया है, यहाँ पे इसके सारी इमेज यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है और हमारा हैंडसेट सक्सेसफुली यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे R4 और R5 पे 51 किलो ओम्स के दो रजिस्टर मिलेंगे आपको, जहां पे आपको या तो रजिस्टर के पास जम्पर लगा दीजिए या तो डायरेक्ट यहां से, हमने बॉल बता दिए हैं इसकी कंटिन्यूटी यहां से ऊपर तक नहीं पहुंचती है क्योंकि फ्रेंड्स प्रॉपर सिग्नल ना पहुंचने की वजह से, प्रॉपर यहां से सप्लाई ना पहुंचने की वजह से इस तरह का एरर आता है और आपका यूएफएस में आपका ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप कभी जेटैक टूल में यूज करना चाहे तो कभी वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ईएफएम जो इजी जेटैक फाइल मैनेजर है उसमें कनेक्ट करना चाहेंगे तो वहां पर कनेक्ट नहीं होगा। तो ये वाला एडेप्टर अगर आप लेते हैं इजी जेटैक का, जो कि 2-in-1 एडेप्टर है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, 2-in-1 यूएफएस बीजी एडेप्टर जिसमें आईएसपी भी है और इजी जेटैक का ये जो एडाप्टर है इसमें आप आईसीपी लगा सकते हैं और साथ ही साथ इसको यू सॉकेट के साथ आप कनेक्ट करके आप इसमें एमएमसी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है और इस तरह के काफी सारे सोल्यूशन हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ईएमएमसी रिलेटेड लेकर आते रहेंगे। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें और नीचे अपना कमेंट जरूर दें और आपके पास इस तरह का एडेप्टर आता है तो जरूर आप उसे रिपेयर करके चेक करके देखिए। आप इसे रिटर्न करने की कोशिश मत करिए, बस आपको एक जम्पर लगाना है, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है। ये जो बॉक्स इन्होंने बनाया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसे अल्टर करके काम चला सकते हैं। अगर आप रिप्लेस कराएंगे तब भी आपका यही प्रॉब्लम आने वाली है तो इससे अच्छा है कि आप इसे जम्पर कर लें और आप इसे वर्क करें। और यहाँ पे रिक्वेस्ट वापस यही करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे वीडियो से हमने कल ही डाला था Redmi Note 8 का, जिसमें सिस्टम डिस्ट्रॉय लिख के इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा डिटेल में प्रोग्रामिंग बताई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जरूर कमेंट करें अपना प्यारा सा, और आपके कमेंट्स हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं और इस तरह के काफी सारे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे सॉल्यूशंस के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, स्कीमेटिक डायग्राम, शॉटिंग, फुल शॉटिंग, हाफ शॉटिंग, लीकेज, डेड मोबाइल, लाइट, चार्जिंग, नेटवर्क, ग्राफिक, सभी सॉल्यूशंस यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। जून बैच अभी फुल है, आप जुलाई के बैच की बुकिंग स्टार्ट है उसमें आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ओनली 10 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे होते हैं, 10 से 12 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है, जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है सब चीज आपको बताई जाती है, चाहे सीपीयू ड्रिलिंग हो, ब्लैक पेस्टेड आईसी खोलना लगाना हो, या डबल डेकर सीपीयू पे आपको काम करना है, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम आपको रीड करना नहीं आ रहा है, या फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग करने नहीं आ रहा है और आपका अगर हैंड स्किल अच्छा नहीं है, आईसीयू पे काम नहीं करने आ रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। फोन फिक्स हैदराबाद की सारी टीम आपके साथ है और आपको प्रैक्टिकली सारी चीज सिखाई जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।